बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के एस से आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़र हुए हैं। यूआर पे की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बैड न्यूज़ है, कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये खबर उन लोगों के लिए है जो लोग यूआर पे की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर जो है क्या काम करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा जो है वो इन्फॉर्मेशन का समझ आ जाए। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो जो मेरे भाई भी यूआर पे की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं उन दोनों भाइयों के लिए सबसे पहले तो आपको एक डेमो दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि असल में बैड न्यूज़ है क्या। तो यूआर पे की एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर, ताकि हम इससे आपको बता सकें कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपको यूआर पे से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है। इसमें आपका बैलेंस भी ऐड होगा, आपका सब कुछ होगा, लेकिन आपका इंटरनेशनल ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे साथ ये इशू आता है। तो काफ़ी भाइयों के सवाल आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि आप तमाम भाई जो है इससे बाखबर हो जाएं, ताकि आप इसमें अपने पैसे ना फंसा बैठें। तो यहाँ से 30 रियाल मैं जो है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करके 30 रियाल करके देखता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ जाता है, द वैलेट इज़ इनएक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस। जैसा कि इसमें पैसा भी ऐड हो रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह से ऊपर में रेड कलर में लिखा आ जाता है कि वैलेट इट्स इनएक्टिव। ठीक है, जैसे ही ये आपको इनएक्टिव का ऑप्शन दिखाएगा तो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अभी तक हमें मालूम नहीं हो चुकी, क्योंकि काफ़ी भाइयों का सवाल आ रहा था कि ये वाला ऑप्शन जो है वो बार बार हमें आ रहा है। तो आप इस ऑप्शन से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों के अभी नहीं आ रहा वो अभी तक इसको जो है वो यूज़ ना करें, उसमें भी पैसा भी अपना ना डालें, क्योंकि इसके ये एक्टिव इनएक्टिव हो गया है तो उसको एक्टिव होने में आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको एक्टिव करना है तो आपने कस्टमर सर्विस पे कॉल करनी है, अपनी कंप्लेंट लाजमी दर्ज करवा देनी है। अगर आपके भी ये इशू आ रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे कॉर्नर में आपको एक मोर वाला ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जहाँ पर मैं एरो बना रहा हूँ इधर 4 खानों वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऊपर एक यहाँ पे निशान दिखेगा ऊपर कॉर्नर में। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ तो ऊपर कॉर्नर में एक माइक का निशान दिखेगा, हेडफोन का निशान दिखेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस हेडफोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे तीसरे नंबर पर प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जो है आपने क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस कॉल वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अदर कंट्री और इनसाइड दी सऊदी। तो आपने नीचे इनसाइड दी सऊदी वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ऊपर वाले पे क्लिक नहीं करना। नीचे जिसमें सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो कॉल कस्टमर सर्विस मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाकर आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो जो मेरे भाई भी यूआर पे की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग सावधान हो जाएं। हो सकता है कि आप इसमें पैसा ऐड करें ट्रांसफ़र करने के लिए और आपका वैलेट इनएक्टिव हो जाए और आपका पैसा फंस जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो अपने मुल्क में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और जैसे ही वो इसमें पैसा डालेंगे पैसा ऐड तो हो जाएगा, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर यहाँ पे पैसा तो ऐड हो चुका है, लेकिन जब हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर वैलेट इनएक्टिव है तो आपको इसमें पैसा भी ऐड नहीं होना चाहिए था, इसमें पैसा भी ऐड हो चुका है और पैसा ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा। तो जिन जिन भाइयों को ये मसला आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि ये कितने लोगों के साथ जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, या वाकई ही और बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है या बस एक दो कस्टमर के यानी कि लोगों के साथ आ रहा है। तो उम्मीद है कि तमाम ये को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।